Hello everyone, Jai Shri Ram. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm gonna show you how I go from this to this. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सिंपल डेली मेकअप रूटीन. तो अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. आई ऑलरेडी डिड माई बेस, लाइक मैंने अपना मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है ताकि मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो सके और जो मेरा मेकअप है वो ज़्यादा केकी ना लगे और अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए. तो इसके बाद जो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है स्विस ब्यूटी का बीबी फाउंडेशन एंड इसकी शेड है 03. तो लेट्स अप्लाई दिस. तो इसे मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी. तो ये अच्छे से मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका है और अच्छे से ब्लेंड भी हो चुका है और इसने मेरी स्किन में एक्स्ट्रा शाइन ला दिया. तो इसके बाद जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है लॉरेल पेरिस का कंसीलर और इसकी शेड है 312 एम्बर. तो चलिए अब इसे हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं. अंडर माई आईज और जहां पे मुझे पिंपल स्पॉट्स है वहां पे. अब मैं इसे इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी. तो मेरा कंसीलर भी अब अच्छे से ब्लेंड हो चुका है. तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा कंसीलर बचा हुआ है उसे मैं इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. तो कंसीलर अच्छे से सेट हो चुका है और ये जो कंसीलर ये फुल कवरेज कंसीलर है तो इसने मेरे जितने भी ब्लेमिशेस हैं उन्हें अच्छे से हाइड कर लिया है. तो इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट. तो सबसे पहले मैं ये वाला पाउडर यूज़ करूँगी अपने अंडर आईज और स्माइल लाइंस पे ताकि वहाँ पे कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए. मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ पूरे फेस पे ताकि हमारा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए. तो अब मैं करूँगी फेस कॉन्टोरिंग. तो इसके लिए मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी. कॉन्टोरिंग करने से जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं उनको अच्छे से डायमेंशन मिल जाता है. थोड़ा जॉ लाइन पे. सो माय कॉन्टोरिंग इज डन. तो फोरहेड पे कॉन्टोर करने से क्या होता है कि हमारे फेस को डायमेंशन मिल जाती है
और चीक बोन पे कॉन्टोर करने से हमारा फेस स्लिम लगता है और हमें ब्यूकल इफेक्ट मिलता है, और जॉ लाइन पे कॉन्टोर करने से हमारी जॉ लाइन शार्प लगती है। तो अब रह गया नोज़ कॉन्टोर करने को, तो चलिए नोज़ को कॉन्टोर करते हैं। तो नोज़ कॉन्टोरिंग भी मैं इसी पैलेट से करूँगी, तो इसके लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी। मिरर में देख के करती हूँ। सो मेरा नोज़ कॉन्टोर भी हो चुका है। नोज़ कॉन्टोर करने से क्या है, हमारा नोज़ जो है वो थोड़ा स्लिम लगता है, और यहाँ पे मैंने बटर नोज़ इफेक्ट दिया है। तो इसके बाद जो हम अप्लाई करेंगे वो है शुगर पॉप का ब्लश, और इसकी शेड है 02। तो मैं ये ब्लश इस ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी, और ये मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप है ब्लश। तो लेट्स अप्लाई। Oh my God! और मुझे नोज पे ब्लश लगाना काफी अच्छा लगता है, तो मैं नोज पे भी अप्लाई करूंगी थोड़ा थोड़ा। तो मेरा ब्लश भी लग चुका है, और ब्लश लगने के बाद मेरा मेकअप और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, एंड दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप। तो इसके बाद मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो है सेम कॉन्टोर पैलेट स्विस ब्यूटी का, तो मैं अप्लाई करूँगी इसका हाइलाइटर। तो लेट्स अप्लाई द हाइलाइटर ऑन द टिप ऑफ माई नोज। हाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये है, ये भी है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल। तो इसके टॉप पे आपको एक ब्रश मिलेगा, तो सबसे पहले हम आईब्रो को इसकी हेल्प से ब्रश करेंगे, और फिर इससे हम अपनी आईब्रो की शेप बनाएंगे। काफी टफ है यहाँ देख के करना, तो मैं मिरर में देख के करती हूँ। तो मैंने अपनी आईब्रो को अच्छे से शेप दे दी और फिल भी कर दिया। अब हम इसी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो मेरी एक आईब्रो डन हो चुकी है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि मेरी दोनों आईब्रोज कैसी लग रही है। तो अब इसी तरह से मैं ये वाली आईब्रो भी फिल करती हूँ। एंड माई आईब्रोज आर डन। तो इसके बाद जो मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी वो है लॉरेल पेरिस का वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा। लेट्स अप्लाई दिस।
मैंने सुना है कि पहले मस्कारा लगाने से पहले हमें पहले इसे नीचे की तरफ को लगाना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ को। And my mascara is also done. So the next product that I'm using is also from Swiss Beauty, and this is Swiss Beauty ka bold matte lip liner. So let's apply this. तो इसके बाद जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो भी है स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस और इसका शेड है 03। सो लेट्स अप्लाई दिस ऑन। And this is my final look. I hope आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। If you guys enjoyed this video, please do like to this video and also subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, bye bye.